हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इन द सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 7 क्लास 4 वी विल स्टडी अबाउट हाउ वी कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स, कि हम फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कैसे चेंज करते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहला आपको एग्जांपल दे रखा है 13/10। आप डिनोमिनेटर में जो होगा आपका वो हमेशा 10 का मल्टीपल होगा, तो इसमें 1 के साथ कितनी जीरोस लगी हुई हैं, 10। तो हमने क्या करना है, पहले तो हम ये देखेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 के साथ कितनी जीरोज़ है। यहाँ पे कितनी है, 1। नंबर ऑफ जीरोस कितनी है आपकी, 1। अब हम सिर्फ न्यूमरेटर लिख देंगे, सिर्फ न्यूमरेटर क्या है मेरा, 13। अब 10 है तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, और 10 है तो एक पॉइंट मूव करेंगे। कितनी जीरोज़ है, 1, तो हमने कितने पॉइंट मूव करना है, एक पॉइंट मूव करे, एक स्टेप मूव करे, और वहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट। तो 13/10 का आपका डेसिमल नंबर क्या हो गया, 1.3। सिमिलरली अगर आप इसका देखें 75/100, ये आपके पास 2 डिजिट्स हैं, 2 जीरोस हैं, तो आप कितने पॉइंट मूव करेंगे, 2। तो यहाँ पे आपके पास 2 जीरोस थी, तो आप एक 1 पॉइंट सिर्फ न्यूमरेटर लिख दिया, फिर मूव करना है आपने 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट, देन 2 पॉइंट। तो आपने 7 से पहले पॉइंट लगाना है। अब 7 से पहले मेरे पास कोई डिजिट नहीं है, लेकिन मुझे पॉइंट से पहले कोई डिजिट लगानी होती है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, 0। एक बात याद रखनी है कि अगर आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में इनफ डिजिट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके 3 जीरोज है नीचे और ऊपर सिर्फ एक ही डिजिट्स है, तो आप उसको 3 डिजिट्स बनाने के लिए क्या कर देंगे, 0 ऐड करेंगे लेफ्ट की तरफ। जैसे कि यहाँ पे 8 था, मुझे 3 डिजिट्स हैं, तो मुझे ऊपर भी 3 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 जीरोस ऐड करती। 3 भी कर सकते हैं आप, क्योंकि लेफ्ट की तरफ हम जितने भी जीरोस ऐड करें उसका कोई मतलब नहीं है। अब मुझे 3 स्टेप्स आगे जाना है, तो 3 पॉइंट पहले, 3 जीरोस हैं तो 3 पॉइंट पहले मैं स्टेप आगे जाऊंगी, तो 1, 2, 3, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट। तो आपका नंबर बन गया 0.008। तो 8/1000 आपकी फ्रैक्शन थी, उसको आपने डेसिमल में कैसे लिखा, 0.008। अब हम देखेंगे कि हम मिक्स्ड नंबर को डेसिमल में कैसे लिखते हैं। आप पहले मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। आपका यहाँ पे दे रखा है 16/37/100। पहले आप 100 को 16 से मल्टीप्लाई करा, 16 × 100, 1600, फिर उसमें आपने 37 प्लस किया, वो आपका आ गया 1637। तो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई 16/37/100। अब इसमें कितनी जीरोज हैं, 2 जीरोज, तो आपने 2 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ मूव करने हैं और पॉइंट लगाना है, तो 1, 2। कहाँ पे आ गया, आप 3 से पहले आप क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो आपका नंबर बन गया 16.37। नाउ नेक्स्ट इज, जब हम अभी तो हमने सीखा कि हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम देखेंगे कि हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे 0.9, इसमें कितने डेसिमल पॉइंट हैं, एक ही डेसिमल पॉइंट है। एक ही डेसिमल पॉइंट का मतलब पॉइंट के बाद अभी कितनी डिजिट्स हैं, 1, तो आपका डेसिमल पॉइंट कितना है, 1। अब हमने डेसिमल हटाया, 9 लिखा, और डिनोमिनेटर में 1 के साथ मैं उतने जीरोस लगाऊंगी जितने आपके डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स होंगी, मतलब जितने आपके डेसिमल पॉइंट्स होंगे। तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, तो सिर्फ न्यूमरेटर में डेसिमल हटा के लिखा और नीचे 1 के साथ मैंने 10 लगाई। 10 क्यों लगाई, क्योंकि हमारा डेसिमल प्लेस कितना था पॉइंट के बाद, सिर्फ 1। सिमिलरली अगर आप 2.39 देखें, तो पहले आपने इसका डेसिमल हटा दिया, आपने इसको लिख दिया 239। इसके में डेसिमल पॉइंट्स कितने आपके, 2 हैं, क्योंकि आपके पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1, 2, तो कितने डेसिमल पॉइंट्स हो गए आपके, 2। तो आप 1 के साथ कितनी जीरोस लगाएंगे, 2, क्योंकि आपके डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस थे, तो आपने 2 लगा दिए। 2 जीरोस क्यों, क्योंकि आपके पास कितने पॉइंट्स थे, 2 डेसिमल पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म, हाउ वी एक्सपेंड द डेसिमल नंबर। 48.15 है, इसको आप पहले प्लेस वैल्यू में लिखेंगे, 8 आपका वंस पे, 4 आपका टेंथ पे, 1 आपका टेंथ पे, और 5 आपका हंड्रेड्स पे। तो हम 48 को जब हम एक्सपेंड करते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था 44 के बाद 1 डिजिट है, तो 40 प्लस 8 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है, पॉइंट से पहले देखेंगे बस, तो सिर्फ आपने 8 लिख दिया, प्लस 1/10, जो मैंने आपको बताया था कि टेंथ्स को आप 1/10 लिखते हैं, तो यहाँ पे 1 है तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, नीचे 10, प्लस यहाँ पे क्या है, 5, टेंथ्स प्लेस पे हैं तो नीचे 10, हंड्रेड्स प्लेस पे हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका, 100, और न्यूमरेटर में जो आपका नंबर दे रखा है क्या हो गया आपका, ये 5/100।
अब अगर आप देखें तो इसमें फ्रैक्शंस आ रही हैं, तो ये वाला जो एक्सपेंशन है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एक्सपेंशन। अब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे, 40 एज इट इज़, 8 एज इट इज़। अभी मैंने आपको बताया कि आप फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, एक डिजिट है तो एक पॉइंट पहले, एक स्टेप पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो मतलब वन से पहले आपने क्या लगा दिया, पॉइंट। पॉइंट से पहले कोई डिजिट होनी चाहिए तो मैंने वहाँ लगा दी ज़ीरो। अब यहाँ पर टू डिजिट्स हैं तो मुझे दो पॉइंट चाहिए, एक तो मेरे पास फाइव है तो उससे पहले मैं यहाँ पर टू ज़ीरोज़ लगा दूँ अगर, और दो से पहले पॉइंट लगाना है, वन टू, तो इस वाले ज़ीरो से पहले क्या लग गया, पॉइंट। तो आपका नंबर क्या बन गया, वो 0.05। जब आपका हंड्रेड्स लिखते हैं हम तो 1/100 को हम कैसे लिखते हैं, 0.01। सिमिलरली 5/100 को कैसे लिखेंगे, 0.05। 7/100 को कैसे लिखेंगे, 0.07। तो ये जो फ्रैक्शन में लिखी है ये आपकी फ्रैक्शनल एक्सपेंशन, और जो ये पॉइंट में है डेसिमल में है वो आपकी डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ एग्जांपल नंबर टू देखें, ये दे रखा है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो 6 ऐसे, 5/10 क्या होता है आपका, 0.5, एक पॉइंट से पहले, 4/100, 0.04, दो डिजिट्स आएंगी क्योंकि दो ज़ीरोज़ हैं, थ्री ज़ीरोज़ हैं तो 0.009, थ्री डिजिट्स बनाने के लिए लेफ़्ट की तरफ क्या ऐड कर दी मैंने, ज़ीरोज़। तो आपका ये वन प्लेस पे 6, टेंथ प्लेस पे 5, हंड्रेड्स प्लेस पे 4 और थाउजेंड्स प्लेस पे 9। तो आपका नंबर क्या बन गया डेसिमल फॉर्म में, 6.549। नाउ लुक एट एक्सरसाइज 7.2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। इसको पहले आप कन्वर्ट करेंगे, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करा तो 800, 800 में 3 ऐड किया तो 803, तो आपका इम्प्रॉपर बन गया 803/100। कितनी ज़ीरोज़ हैं, टू ज़ीरोज़, तो टू पॉइंट से पहले क्या लगा दिया आपने, पॉइंट, टू स्टेप्स इधर लेफ्ट की तरफ मूव करके क्या लगा दिया, पॉइंट। तो आपका आंसर आ गया 8.03। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज 1432/100। 14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 1400, और उसमें 32 ऐड करा तो आपका आ गया 1432। तो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई 1432/100। टू जीरोज है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, टू डिजिट से पहले क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो 1, 2 यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, तो ये बन गया आपका 14.32। नाउ अब इसको कन्वर्ट किया, 6 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 6000, उसमें 500 ऐड किया तो 6504। तो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई 6504/1000। थ्री डिजिट्स हैं, थ्री ज़ीरोज़ हैं तो थ्री डिजिट से पहले क्या लगा दिया, पॉइंट। तो आपका डेसिमल फॉर्म बन गया 6.504। नाउ बी पार्ट, कन्वर्ट फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस। अब हमें डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में चेंज करना है। डेसिमल पॉइंट कितना है आपका, 1, तो 8 एज इट इज़ लिख दिया, पॉइंट हटा के नीचे 1 के साथ 10 लगा दी क्योंकि आपका 1 डेसिमल पॉइंट था। सेम नाइन्थ पार्ट अगर आप देखें तो आपने पहले डेसिमल हटाया तो 6308 आ गया, डेसिमल पॉइंट के बाद आपके 3 डेसिमल्स थे तो नीचे 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ लगा दी, तो क्या बन गया आपका 6308/1000। नाउ 32.04 है तो आप इसमें क्या करेंगे, 3204/1000/100 लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, तो आपका ये क्या बन गया 3204/100। तो आपका ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, 1 के साथ 2 जीरोस लगाई क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस थे। नाउ थर्ड इज राइट डेसिमल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, 60 प्लस इसको लिखेंगे 0.3 प्लस इसको लिखेंगे 9/100। तो आपका ये 60 है तो 0 आपका वंस प्लेस के लिए, 6 आपका टेंथ प्लेस के लिए, तो 60 तो आपका ये बन गया पॉइंट, टेंथ प्लेस पे 3 और हंड्रेड प्लेस पे 9। तो आपका आंसर क्या आ गया 60.39। सिमिलरली अगर आप 6 पार्ट देखें तो 8 इसको आप लिखेंगे 0.1, इसको आप लिखेंगे 0.06, दो डेसिमल प्लेस बिकॉज नीचे दो जीरोज़ हैं 1 के साथ, इसमें 3 डेसिमल प्लेस से क्या बनेगा ये 0.003। ऊपर एक ही डिजिट थी लेकिन 3 डिजिट्स बनाने के लिए लेफ्ट की तरफ क्या ऐड कर दी मैंने, ज़ीरोज, तो ये बन गया 0.003। तो वंस प्लेस पे आपका 8, टेंथ प्लेस पे 1, हंड्रेड प्लेस पे 6 और थाउजेंड प्लेस पे 3। तो आपका नंबर बन गया 8.163। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट डेसिमल एक्सपेंशन एंड फ्रैक्शनल एक्सपेंशन ऑफ ईच।
इसका मुझे डेसिमल और फ्रैक्शनल एक्सपेंशन दोनों लिखना है. तो 9 प्लस 10th प्लेस पे है तो 0/10, 100th प्लेस पे है तो 10/100, 8/100. तो 0/something का लिखने का हमारा कंपलसरी नहीं होता, तो मैं इसको क्या लिखूँगी, 9 + 8/100. तो ये आपका क्या बन गया, फ्रैक्शनल एक्सपेंशन. अब डेसिमल में चेंज करने के लिए 9 तो एज इट इज़, टू जीरोज हैं, टू डिजिट्स चाहिए, तो एक तो आपकी 8 है और एक आप आगे इसके 0 मान लेंगे, उससे पहले पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट से पहले आपकी एक डिजिट होनी चाहिए, तो आपने यहाँ पे 0 लगा दिया. तो आपका ये क्या बन गया, 9 + 0.08, ये क्या है आपका, डेसिमल एक्सपेंशन. नाउ 9 पार्ट देखें, 3.345, 3 एज इट इज़, 3 अपॉन में 10 बिकॉज ये 10th प्लेस है, 4 अपॉन में 100 बिकॉज ये 100th प्लेस है, 5 अपॉन में 1000 बिकॉज ये 1000th प्लेस है. तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल एक्सपेंशन. अब 3 एज इट इज़, 1 डेसिमल प्लेस लगेगा बिकॉज 10 है, तो ये बन गया 0.3. 2 जीरोज हैं तो 2 डेसिमल प्लेस चाहिए, तो एक 4 है और दूसरा मैंने लेफ्ट की तरफ क्या लगा दी, 0. सिमिलरली इसमें 3 चाहिए, एक तो 5 है, बाकी के 2 मैंने लेफ्ट की तरफ क्या लगा दी, 0. तो ये बन गया आपका 0.005. तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल एक्सपेंशन और ये हो गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन. और डिजिट्स बनाने के लिए जब जीरोज ऐड कर रहे हैं वो आप लेफ्ट की तरफ करेंगे, राइट की तरफ नहीं करेंगे. आपने राइट की तरफ कर दिया तो आपका गलत हो जाएगा. 10th पार्ट है, 2 + 0.08, 2 एज इट इज़, 0/10 बिकॉज 10th प्लेस है, 0/100 बिकॉज 100th प्लेस है, 8/1000 बिकॉज आपका 1000th प्लेस है. तो ये 0 वाले लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ 2 + 8/1000 लिखेंगे. ये हो गया आपका फ्रैक्शनल एक्सपेंशन. 2 + 3 जीरोज हैं तो 3 डिजिट्स आपने करनी है, तो 2 आपने लेफ्ट की तरफ 0 लगाई, उससे पहले पॉइंट लगा दिया, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन बन गया 2.008. ये क्या हो गया आपका, डेसिमल एक्सपेंशन. नाउ दिस इज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 7.2. वी विल स्टडी अबाउट द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.